नमस्कार दोस्तों, मैं समोस समुद्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पैनकेक। तो चलो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये मैं 200 ग्राम मैदा ले रही हूँ और इसमें पिसी हुई चीनी है, ये 3 चम्मच पिसी हुई चीनी ले। इसके अंदर थोड़ा सा अपन डालेंगे मीठा सोडा और आधे चम्मच के करीब डालेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक। पहले इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हो। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लिया मैंने, इसको भी अच्छी तरह मिला देंगे। और ये नॉर्मल टेम्परेचर दूध है तो ये थोड़ा थोड़ा अपन डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना नहीं तो लम्स हो जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाती है। जैसे डोसे का बैटर होता है उसी हिसाब से अपन को इसका बैटर बनाना है। इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। 200 ग्राम मैदा में आधा ग्लास दूध लग गया है और अपन इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह फेटेंगे जिससे थोड़ा फ्लफी हो जाए और अपने पैनकेक अच्छी तरह बने। इस तरीके से अपना होना चाहिए। एक पैन गरम कर लें, इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था मैंने, इसको अच्छी तरह पहले पोंछ देंगे एक टिश्यू पेपर से। आँच मीडियम कर दिए मैंने और 1 चम्मच भर के इसके ऊपर घी चुबी डालेंगे। इसको अपन को फैलाना नहीं है, इसको सिकने लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सीख चुका है इस साइड से, इस साइड से भी सेक लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बिल्कुल हम आँच पे सेक रही हूँ जिसे अपने जले नहीं। ये देखिए अपना अच्छी तरह सीख चुका है, थोड़ा सा हल्का सा उस साइड से और सेक लेते हैं। और मेरे वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद हमें बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें जिससे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिस आपको मिलती रहे। इस साइड से भी अच्छी तरह सीख चुका है, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, बाकी भी इसी तरह बना के तैयार कर लेते हैं। 200 ग्राम मैदा में अपने 5 बन के तैयार हुए हैं पैन। देखिए मैंने एक प्लेट में रख दिया है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चॉकलेट सिरप, आप चाहो तो हनी भी डाल सकते हो।